हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13 के बारे में, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की है और क्लास 8th की है, ठीक है। और ये जो है बच्चों 3/9/2021 की है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि लास्ट वीक के विनर अनाउंस हो चुके हैं और उन्हें गिफ्ट भी पार्सल किया जा चुका है। और इस वीक वापस से क्या कर दिया गया, आपका कॉन्टेस्ट ओपन कर दिया गया। बस आपको करना क्या है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट में जो भी सजेशन आप देना चाहते हो दे सकते हो। चलिए आइए देखते हैं बच्चों इसमें क्या दिया गया। यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो बच्चों तो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया गया। इसमें बोला गया चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग माइग्रेनाइजेशन, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हसियाईकरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया, मुस्लिम एंड माइग्रेनाइजेशन। नाउ लेट अंडरस्टैंड द मैगलाइजेशन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अगर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्टेस्ट में यानी कि उनके उसमें देखें मैगलाइजेशन के बारे में, तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपके सामने निकल कर आएंगे बच्चों। जैसे लाइक अदर माइनॉरिटीज, ठीक है, मुस्लिम कंजप्शन एंड प्रैक्टिस आर समटाइम्स क्वाइट द डिसेंट फ्रॉम वॉट इज सीन इन द मेन स्ट्रीम, ठीक है। तो कभी कदार होता क्या है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर समझाने के पहले पॉइंट में कोशिश किया गया है कि जो मुसलमान कम्युनिटीज़ होती है या इनकी जो माइनॉरिटीज़ होती है बच्चों, इनकी जो वो पोशाक होती है यानी कपड़े पहनने के तरीके और रीति रिवाज जो होते हैं, वो दूसरी अल्प जातियों की तरह ही क्या है, अलग हैं। इनके क्या है, दूसरी अल्प जातियों से भी अलग हैं। जैसे कि क्या होता है, खुद जैसे सभी अल्प जातियों के अपने अपने क्या है रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, वैसे इनके भी खुद के कुछ रीति रिवाज हैं। सम Not all, ठीक है, सारे कुछ मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ पर, सारे मुसलमानों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। बोला गया वेयर्स अ बुरखा, जो बुरखा पहनते हैं, ठीक है, स्पोर्ट अ लॉन्ग ब्रेड, जो अपनी दाढ़ी को बड़ा रखते हैं, एंड वेयर अ फेस, यानी जो अपने सर पर क्या रखते हैं बच्चों, टोपी रखते हैं, ठीक है। दीज बिकम अ वेज ऑफ टू आइडेंटिटीफाई ऑल मुसलमान, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली डिफरेंशियल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो इस वजह से ही क्या है, लोग मुसलमानों को पहचान पाते हैं कि ये क्या है, दाढ़ी बड़ी सी रखे हैं, टोपी लगाए हुए हैं, ठीक है, ये लोग क्या हैं बच्चों, ये मुसलमान हैं, ऐसा मुस्लिम्स हैं, ऐसा जो है पहचानने में लोगों को आसानी होती है। और जिसकी वजह से ये क्या है, बाकी लोगों से क्या होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है, खुद की डिफरेंट होती है। सम ऑफ द पीपल दे डू नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ठीक है। कुछ पीपल जो है बिल्कुल भी, कुछ पीपल क्या होते हैं, लाइक नहीं करते हैं ये सब, ठीक है। ऑफ्टेन बिकम्स अ एक्सक्लूसिव टू ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस अगेंस्ट देम, ठीक है। और वही सब चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ क्या होती हैं, अगेंस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ अनफेयर चीज़ें हुई जिसकी वजह से क्या है ऐसा है। तो यू वुड रिमेंबर रीडिंग इन द प्रीवियस क्लास, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा हाउ द अंसारी वर फाइंडिंग इट अ डिफिकल्ट टू द रेंट अ हाउस, ठीक है। किस तरीके से अंसारी को जो है किराए का घर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। दिस सोशल मैगलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है, इन सम इंस्टेंस हैज़ लीड देम द मैगनाइटिंग फ्रॉम वन प्लेस वेयर दे लीव्ड, ऑफ्टेन लीडिंग द गैस्टोनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी। यानी कि जब क्या होता है, जब एक मुसलमान जहाँ पर बहुत सालों से रह रहा है उस प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाता है, तो उनको जो जो प्रॉब्लम उठानी पड़ती हैं, जैसे घर लेने को लेकर, इन सब चीज़ों को लेने को लेकर, यही सब चीज़ें बच्चों क्या कहलाती है, गैस्टोनाइजेशन कहलाता है। समटाइम्स दिस री जस्टिस लीड द हेट एंड वायलेंस, कभी कदार यही चीज़ें क्या हैं, घृणा और विरोध का क्या है कारण बन जाती हैं। तो अनकम्फर्टेबल ऑफ मैगनाइजेशन, यानी किस तरीके से जो है हसियाईकरण के हम लोग निपट सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप पॉइंट टू द फैक्ट दैट मैगनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना रिक्वायरिंग द वेराइटीज ऑफ स्ट्रेस मेजर द सेफ गार्ड टू रीड द सिचुएशंस, ठीक है, रेडीज द सिचुएशंस। यानी कहने का मतलब है, इन सभी चीज़ों को क्या है देखने के बाद, सभी बातों को देखने के बाद, इस बात पर यह कहना कोई गलत नहीं है कि बच्चों जो है मैगनाइजेशन क्या है या हसियाईकरण क्या है बच्चों, एक बहुत ही ज़्यादा घातक रूप ले रही है भारत के अंदर। और इसकी अगर आज हम लोगों ने सेफ्टी नहीं करी, इसका आज कोई बंदोबस्त नहीं करा, तो आगे चलकर ये क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऑल ऑफ हैव स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन
द लॉ एंड पॉलिटिकल फ्रेम्स रिलीज दीज राइट्स, यानी कि हम सभी लोगों को मिलकर क्या करना होगा, जो डेफिनेशन दी गई है हमारे राइट्स की उनको प्रोटेक्ट करना होगा हमें खुद से ही, हमारे लॉज और पॉलिटिकल जो फ्रेम्स होते हैं इनमें हमें क्या है मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट दीज वी विल नेवर एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी मेक द आवर कंट्री यूनिक, ठीक है। जो हमारी कंट्री में क्या है डाइवर्सिटी है, यानी कि जो विविधता है, यानी कई धर्म और कई जातियों के लोग हमारी कंट्री में जो रहते हैं, अगर उस चीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं करें तो हम अपनी कंट्री के एक यूनिक सिंबल को खो देंगे एंड रिलीज द स्टेट कम्युनिटेंट टू प्रोटेक्ट देम इक्वलिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है। और स्टेट को भी इस चीज़ की क्या है आ तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो सभी को एक इक्वलिटी में रख सके। येट द लीव द मैगनलाइज्ड पीपल कम डू चेंज, ठीक है। और जो मैगनलाइज्ड पीपल हैं उनको कभी भी अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहिए। दस नो वन मैगनलाइज्ड ऑल टाइम इन एक्सक्लूसिव एट सेम वे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जिंदगी भर क्या है और हमेशा ही क्या है मैगनलाइज्ड रहें, कभी ना कभी तो क्या है एक बहुसंख्यक के रूप में आएंगे ही। मैगनलाइज्ड कम्युनिटी वॉन्ट मेंटेन द कल्चर डिस्टेंस डेक्टिविनियस वाइल हैविंग द एक्सेस एंड राइट द डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अदर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मैगनलाइज्ड या हसियाईकरण लोग होते हैं इनको बच्चों क्या है अपने कल्चर को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके राइट्स उसको प्रोटेक्ट करते हुए और अपने कल्चर को बनाए रखते हुए सभी राइट्स और डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या करना चाहिए एक्सेस करना चाहिए, यानी कि उनको लाभ भी उठाना चाहिए। इसके बाद क्या है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेस्टोनाइजेशन, तो गेस्टोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप इसका क्या है यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। सोशल मैगनाइजेशन ऑफ, यहाँ से लेकर पूरा क्या करना बच्चों, ये जितना भी अंडरलाइन कर रहा हूँ पूरा आप लिख दोगे, ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर टू बोला गया अकॉर्डिंग टू द हमें क्या है हम किस तरीके से जो मैगनाइजेशन पीपल्स होते हैं उनको टैकल कर सकते हैं या उनको जो है उस चीज़ से निपटारा कर सकते हैं, इसके ऊपर रणनीतिज हमें बतानी है, ठीक है। तो इसमें क्या आप दो पॉइंट लिख देना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे ये आंसर नंबर टू में आप लिखोगे बच्चों, ठीक है। ये पूरा एक ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके बाद एक ये पॉइंट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों क्या बोला गया, इसके बाद नीचे बोला गया इफ़ यू वर द मेंबर ऑफ द मैगनलाइज्ड पीपल ग्रुप यू हैड वुड यू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, ठीक है। अगर क्या आप मेंबर होते किसी भी मैगनलाइज्ड ग्रुप के तो आप किस तरीके से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए मैं इसका आंसर क्या करता हूँ आपको लिखकर बच्चों दिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप इसका आंसर क्या है लिख लोगे, ठीक है, लिखोगे इफ़ आई वॉज अ पार्ट ऑफ द मैगनलाइज्ड कम्युनिटी आई वुड हैव डन मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स आई सेव माई कल्चर एंड क्रिएट अ कल्चरल कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी, ठीक है। जो कल्चरल कम्युनिटी होती है उसको हम क्या करते हैं बनाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, फॉर माई कम्युनिटी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है, आगे क्या है बच्चों, आगे आपकी वर्कशीट यहीं पर होती है समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। संडे को उसका विनर अनाउंस होगा। धन्यवाद बच्चों।